का हिस्सा बनके मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारा सीनियर सिटीजन प्रोग्राम कुछ समय से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। जब हम लोगों ने शुरू किया, हमने नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग हम लोगों से जुड़ जाएंगे। और इस प्रोग्राम के दौरान हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। सच में हमारा जीवन जीते वक्त जो मैं देखती हूँ कि मेरे अंदर भी डर है कि जब मेरा बुढ़ापा आएगा तब मैं क्या करूंगी, क्या मैं बूढ़ी होके ही जस्ट बोरिंग बोरिंग ही मर जाऊंगी। पर लेकिन जब मैं देखती हूँ तो हमारे सीनियर सिटीजन कॉलेज के हर एक इंसान इतना लाइवली है, इतना जिंदगी से और ख्वाहिशों से भरा हुआ है कि उनको देख के लगता है यार बुढ़ापा बुरा नहीं है, बुढ़ापा बोझ नहीं है, बुढ़ापा सच में बहुत अच्छा है, ब्लेसिंग है, हम लोग दूसरों को सिखा सकते हैं। वो ये लाइफ का वो पढ़ाव है जिसमें हम लोग बहुत कुछ, आप सब लोग बहुत कुछ सीख के अनुभवों के साथ आए हैं। और आपके वो अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रेशियस है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं। और हम लोग आशा करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आगे भी जुड़ते रहेंगे। अगर आप हमारे प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो हम सब लोगों का एक व्हाट्सएप लिंक है जो कि आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा कुछ समय में। और इसके अलावा आप अपना नाम और आप अपना नंबर चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, जिसके द्वारा हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी। और आप लोग भी अपनी एडवाइस, अपनी लाइफ की कहानियां हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो जिस तरीके से इस साल हमने हमारे बीच में से भारत की नाइटिंगेल कही जाने वाली महान सिंगर लता दीदी को खो दिया है, तो ये सच में देखा जाए तो बहुत दुख की बात है। लेकिन कहते हैं कि गायक लोगों की भले ही वो उनका शरीर अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमारे बीच में हमेशा रहेगी, हमारे दिलों में, हमारे जहन में, हमारी जुबान में और हमारी यादों में भी। उनके कितने सारे गाने हैं जो कि हम लोग अपने जब डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं तब भी गाते हैं, जब खुश होते हैं तब भी गाते हैं, और जब एक्सप्रेस अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तब भी वो गाने हमें याद आते हैं। तो भले वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनके गाने हमारे बीच में सदा अमर रहेंगे। तो उनको ही इस पर हम लोग ट्रिब्यूट देते हुए हम लोग उनका एक गाना सुनेंगे।
हमारे बीच में भी एक सर है जो कि एक गाने का परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो हम लोग उनको इनवाइट करेंगे। रविंद्र खानविलकर सर जी वो अभी हमारे बीच में गाना पेश करेंगे। नमस्ते, मैं रविंद्र खानविलकर। इस शो में ज्वाइंट होने के बाद मैंने मुझे बहुत सा फायदा हो गया है। तो आज मैं गाना पेश कर रहा हूँ। ये गाना है वक्त का। ये 65 में एक पिक्चर बनी थी, उनमें से एक गाना है। तो मेरे पत्नी, ये मेरे साथ 43 इयर्स मेरे साथ है, और जो कुछ भी मेरे जिंदगी में हुआ वो मेरी साक्षीदार है। तो उसके लिए मैं गाना गा रहा हूँ। तो आपसे अनुमति लेके मैं गाना प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुझे मालूम नहीं अभी तक है हंसी और तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेरी जहरा जुबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मीठे बोल जान मन तो नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम आने की वजह से मेरा गाना है, तो मुझे माफ कीजिए। ये शोखिया ये बातपन जो तुझमें है कहीं नहीं, ये शोखिया ये बातपन जो तुझमें है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फर्ज तुझमें है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। मेरी जोहरा जुबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझसे कुर्बान मेरी जान तू मीठे बोल जान मन जो मुस्कुरा के बोल दे
तुम्हें के बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग।